इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें शहीर को एक एक बात बता देनी चाहिए। ताया वो तुम पर कितने इल्जाम लगाते हैं, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और ये इल्जाम के सारे खाने तुम मुझसे बनवाते। तुम ये सारी बातें आज शहीद को बता दो। नासी ने मुझसे कहा मैं तुमसे बात करूं, केले में तुम्हें बताऊं कि पापा मुझसे किस तरह का रवैया रखते हैं। पागल थी, समझ नहीं सकी शहीर। मेरा घर है, मेरी भाभी तो मेरी जिम्मेदारी है। वो तो ठीक है, लेकिन जो भी हो तुम इनके लिए नामहरम हो। तुम हर बात का इतना बुरा क्यों मना लेते? तुम्हारे भले के लिए कह रही थी मैं, कोई भी दूसरा देखेगा गलत समझेगा। बड़ी मोहब्बत और प्यार से बर्बाद किया है। भाभी नौरीन से नफरत नहीं है मुझे, उससे घिन आने लगी है। जब अपनों ने हम पे भरोसा ही नहीं किया, गैरों से क्या शिकवा? बाबा तो चची जान के फितरत को जानते थे, फिर भी उन्होंने उन पे भरोसा किया। मेरी तो छोड़, उन्होंने तो सकी औलाद को भी झूठा समझा। और आसिफ ने मुझसे मोहब्बत की कसमें खाई। आज से मेरी तमाम तर मोहब्बत के हकदार सिर्फ आप। वादा करता हूँ मैं आपसे, आपसे बेइंतहा प्यार करूंगा। मैंने उसके लिए अपने आप को बदल लिया, बाबा की हर हैसियत को बर्दाश्त किया। पर वो भी मुझे समझ ना सका। बचपन से मेरे साथ रहकर मुझे नहीं समझ पाए, आपको क्या समझती?